हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल कंबाइन लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारी रीजनिंग की दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लॉक। तो कल आपको क्लॉक के बारे में बताया गया था कि क्लॉक में जब पूरी एक घंटे या मिनट की सुई जब पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है तो कितने डिग्री घूमती है। तो कल आपको जो बताया गया था कि एक पूरे चक्कर में 360 डिग्री कोई भी सुई रन करती है। तो अगर हम क्लॉक की बात करें तो कल बताया गया था कि मिनट की सुई एक मिनट में कितने चक्कर घूमती है। पहले क्लॉक एक बना दिया जाए, यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3 और यहाँ 9, इसके बाद 2, 3, 4, 5, यहाँ 1, 2, 4, 5, यहाँ 7, 8, 10, 11। तो कल क्लॉक बताए थे आपको कि जब एक बार एक जो एक मिनट की सुई होती है वो एक मिनट में मिनट की सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ये कल आपको बताया गया था। घंटे की सुई वो एक मिनट में आधे डिग्री घूमती है। और सेकंड की सुई के बारे में बताया गया था। सेकंड की सुई जो होती है वो एक सेकंड में 6 डिग्री घूमती है। तो ये कल हमने आपको बताया था। लेकिन इसके बाद जो हमने बताया था कि घड़ी की सुई जो घंटे वाली सुई होती है, मान लीजिए अगर कोई घड़ी में 3 बज रहा है तो हमने आपको बताया था कि इनके बीच ये घड़ी में जब 3 बजेगा तो घंटे और मिनट के बीच सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा, जिसे हम समकोण भी कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो जब वो समकोण की स्थिति बनाएगी तो समकोण 2 बार बनाती है, 1 घंटे में 2 बार बनाती है। लेकिन जब हम 0 डिग्री की बात कहते हैं, जब ओवरलैपिंग की बात कहते हैं, तो घड़ी की जो दोनों सुइयां होती है, घंटे और मिनट की सुइयां, वे एक दूसरे के साथ ओवरलैप सिर्फ 1 घंटे में 1 बार करती हैं। और 2 घंटे की बात करें तो अगर 1 घंटे में 1 बार 2 घंटे में 2 बार लगी, जब 3 घंटे की बात करें 11, 12, 1 तो 11 और 1 के बीच में 12 एक ऐसी संख्या होती है जो 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करती हैं, एक दूसरे के साथ संपाती, या तो हम ओवरलैप कहें या तो हम ओवरलैप की बात करें, ओवरलैपिंग, ओवरलैप की बात करें, या संपाती कहें, या समान दिशा कहें, या इंग्लिश में सेम डायरेक्शन कहा जाए, ये चारों बातें एक ही बात को दर्शाती हैं कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में हैं। ये बातें होती हैं, ये घंटे की सुई हो गई और ये मिनट की सुई हो गई। तो ओवरलैपिंग की 4 बातें होती हैं, यानी संपाती होगी तो एक ही दिशा में सुइयां दोनों होंगी, घंटे और मिनट की सुइयां। तो ये हम कल बताए थे आपको कि जो घंटे और मिनट की जो सुइयां होती हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार होती हैं। लेकिन अगर दूसरी बात कही जाए कि स्ट्रेट लाइन, जब घड़ी में 6 बजता है तो जो घंटे की सुई होती है वो 6 पर होती है और मिनट की सुई 12 पे होती है। तो उस स्थिति में दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री का कोण बनाती है, सीधी रेखा में होती है। तो इस ये भी स्थिति जो होती है वो सिर्फ घड़ी में 12 घंटे में 11 बार उत्पन्न होती है और 1 घंटे में 1 बार, 24 घंटे में 22 बार उत्पन्न होती है। लेकिन जो 90 डिग्री की बात हमने बताई थी वो दोनों दिशा में होती है, यानी 3 बजे भी इसकी दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ, घंटे और मिनट की दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और 3 यहां भी बज रहा है, और जब 3:30 यानी 3:35 के करीब में जब होंगी, 35 या 36 मिनट पे, तभी भी ये 3 ही बजे यानी एक ही घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 90 डिग्री एक ऐसी अवस्था होती है जो कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनाती है।
तो ये होती है 90 डिग्री की स्थिति। अब आते हैं हम, कल दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, तो आते हैं आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पहला टाइप आपको बताया गया था कि पहले टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछते हैं, ये कल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नोट करिएगा, टाइप फर्स्ट, शायद कल हमने एक क्वेश्चन भी करवाया था। जो टाइप फर्स्ट है वो होगा दिए गए समय से कोण ज्ञात करना। टाइप फर्स्ट में होगा दिए गए समय से कोण ज्ञात करना, ये आपका टाइप फर्स्ट है, दिए गए समय से कोण ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर कहा जाए, एक घड़ी में 7:20 हो रहा है, 7:20 हो रहा है, एक घड़ी में जब 7:20 हो रहा है तो 7:20 पर घंटे व मिनट की सुइयों के मध्य या बीच भी कह सकते हैं कोण ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था जो कि उस फार्मूले पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्लॉक के मैक्सिमम सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। वो फार्मूला क्या था, 11/2, ये m जो था वो मिनट था, 30h प्लस माइनस एंगल, ये था क्वेश्चन। तो अगर 7:20 की हम बात करें तो आप एक घंटे की वैल्यू जो दिया है यानी आवर की वैल्यू हो गई 7 और मिनट की जो वैल्यू है 20 हो गई। तो अगर हम देखें यहाँ पे 7:20 यानी जब 7:20 होगा तो लगभग हमारी जो घंटे की सुई होगी वो यहाँ पर कहीं पर होगी और जो मिनट की सुई होगी 20 यानी कि वो 40 के आसपास होगी यहाँ पर। तो अगर हम आपको बताए थे कि कभी भी दो नंबर्स के बीच का कोण जो होता है वो 30 डिग्री होती है, तो इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे 30 डिग्री का 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना, तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण तो बन गया। अब रही बात की अगर हमारी घड़ी में 7:30 हो रहा होता तो सीधा सीधा हमारा ये सुई जो होती बीचों बीच होती, लेकिन यहाँ पे 7:30 तो हो नहीं रहा, 7:20 हो रहा है, तो 90 डिग्री तो कन्फर्म है कि 90 डिग्री होगा, लेकिन 90 के बाद ये 12-13 डिग्री और बढ़ जाएगा जिससे कि हमारी घड़ी में लगभग 102 वगैरह कोण बनाएगा, देखते हैं क्या बनता है। तो ये देख कर भी ऑप्शन से अंदाज चल जाता है, अगर हमारा घड़ी का डायग्राम अगर हमारे दिमाग में सेट है तो हम किसी भी क्वेश्चन को देख कर ऐसे हम कोण बता सकते हैं। तो देखिए क्या निकलता है इस सूत्र से, हमारा क्या क्वेश्चन से निकलता है, इसका आंसर आता है 7, यानी मिनट की वैल्यू दे रहा है आपको 11/2, मिनट की वैल्यू 20, 30 h, आवर की वैल्यू 7 और प्लस माइनस एंगल। यहाँ प्लस माइनस क्यों रखा जाता है अभी बताते हैं आपको। दो कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए कि जब हमारी घंटे की सुई और मिनट की सुई की बात करें तो जब घंटे की सुई अगर और मिनट की सुई के बीच के अगर घंटे की सुई को अगर मिनट की सुई पार कर गई तो वहां पे हम माइनस लेते हैं और जब पार नहीं की है तो उस समय हम प्लस लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी क्वेश्चन आते हैं उसके आधार पर हम आपको बताएंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे 11/2 ये हो गया 10 में चला गया, यहाँ से 11/10 में 110 और यहाँ से देखिए 7 × 3 = 21 हो गया। अब ये हो गया प्लस माइनस एंगल, तो अब 210 में से अगर 110 को घटा दिया जाए तो हो गया प्लस माइनस एंगल, तो यहां से आ गया हमारा 100 डिग्री, सीधे सीधे आ गया 100 डिग्री प्लस माइनस, ये माइनस से माइनस होता है कैंसिल, प्लस अगर माइनस होता है तो भी हम माइनस से कैंसिल कर देते हैं और प्लस होता है तो प्लस लेते हैं, इसीलिए इसको प्लस माइनस के रूप में लिखा जाता है, यानी एंगल की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री, ये आ गया हमारी एंगल। तो हमने भी आपको बताया था कि यहां से भी देखिए 30, 30, 60 और 30, 90, 90 और यहाँ पे लगभग
7.5 होगा तो 15 डिग्री हुआ होता, लेकिन 15 तो हुआ नहीं, 20 सही पे है, तो ये आपका 10 डिग्री इधर बढ़ गया। तो इस स्थिति में देखा तो हमारा 100 डिग्री आ गया। तो ये था हमारा पहला टाइप को क्वेश्चन कि दिए गए समय से कोण ज्ञात करना, यानी कोई भी समय आपको दिया है तो ये मास्टर फार्मूला है जिससे हम कोई भी कोण निकाल सकते हैं, कितना कोई भी समय दिया हो, चाहे आपका 9 बज रहा हो, ऐसे देखिए 9 बज रहा है तो मिनट की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। जब यहाँ पे मिनट की वैल्यू 0 हो गई तो 9 का हम सीधे सीधा रखेंगे तो 9 × 27 = 270 डिग्री हो गया। तो 270 की बात करें तो 360 में से घटाइए, 360 में से अगर 270 घटाएंगे हम तो ये आ जाएगा लगभग 7 × 6 = 9, 30 इधर आ गया और 60 इधर, यानी 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री। तो अगर 9 बजेगा किसी भी घड़ी में, 9 बजाएगी ये घड़ी तो 9 बजे, तो देखिए यहाँ पे इस ये स्थिति बने तो 90 डिग्री बन रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। तो ये पहले टाइप के सारे क्वेश्चन, यानी जो समय के आधार पर कोण ज्ञात करने वाले हैं वो इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इस बेस के सारे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप। दूसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं। नोट कर लीजिएगा, अब टाइप सेकंड की ओर बढ़ते हैं। टाइप सेकंड ये होगा दिए गए कोण से समय ज्ञात करना, दिए गए कोण से समय ज्ञात करना। कई बार एग्जाम्स में ऐसे सवाल आ जाते हैं कि अगर आप 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे कोण दिया है आप, या फिर ये कह सकते हैं कि 7 और 8 बजे के बीच में कब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के समान दिशा में होंगी, या फिर कह सकता है कि घंटे और मिनट की सुइयां कब समपाती होंगी, सेम डायरेक्शन में होंगी। तो जो भी बात कहे सेम डायरेक्शन कहे समपाती कहे, अभी हम आपको बताए थे कि ओवरलैप की बात करें, ओवरलैप मतलब एक ही दिशा में होना, समान दिशा होना, एक ही दिशा होना, तो वहां पे हमें 0 डिग्री की बात कर रहा है, यानी संपाती की बात करें। अभी हम क्वेश्चंस बताते हैं, इस पर हम 4 क्वेश्चंस करेंगे टाइप सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर कहा जाए कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के मध्य कब घंटे व मिनट की सुई की सुई एक ही दिशा कहे या संपाती कहे या समान दिशा कहे दिशा में होंगी। ये एक ही क्वेश्चंस पूछने के जो तरीका होता है वो तीन प्रकार का, एक ही दिशा, संपाती या समान दिशा, इंग्लिश में कह देगा तो ओवरलैपिंग की बात करेगा कि ओवरलैप कब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगी। तो इसका मतलब सारी बातें एक ही कह रहा है, वो कह रहा है कि उस कंडीशन में आपको एंगल की वैल्यू क्या रखना है, 0 डिग्री रखना है, क्योंकि जब भी वो मान लीजिए 12 बज रहा है तो ये स्थिति होगी, तो ये स्थिति जब होगी घड़ी की 12 बजाने वाली, तो जब 12 बजेगी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ एक ही दिशा में हो तो वहां पे कोण तो बनेगा नहीं, तो उस कंडीशन में एंगल की वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में हम टाइमिंग कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो हमने आपको अभी बताया था कि एक मास्टर फार्मूला था, उस पर आप किसी भी क्वेश्चन को प्लॉक के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो होता 11 बाई
2m इज इक्वल टू 30h, और चूंकि प्लस माइनस एंगल की बात करें तो एंगल तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमें सॉल्व करना है सिर्फ 30h और m की वैल्यू को, 11/2m, यहां से हम करें 30h, h की वैल्यू चूंकि हमें 4 और 5 बजे के मध्य निकालना है, तो 5 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि h की वैल्यू 5 रखें तो 5 को क्रॉस कर जाएगा और 5 को हमें क्रॉस कराना नहीं है, 5 को हमें 4 बजे को लेना है। तो यहाँ पे हम करेंगे 30 into क्या है, h की वैल्यू 4, 30 into 4। यहां से देखा जाए तो मिनट की वैल्यू निकलेगी हमारी, मिनट की वैल्यू आ जाएगी यहां से 34 जा 120 मल्टीप्लाइड बाई ये 2 3 मल्टीप्लाई करेगा और 11 आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 11। डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 11, ये जाएगा 2 बार 2 हो गया, ये 11 एक बार और चला जाएगा, ये 2 टाइम्स गया तो ये 21 आ गया, यानी कि मिनट की वैल्यू आपको मिल गई 21 मिनट और 9 सेकेंड, लगभग 9 सेकेंड, ये आ गया आपका मिनट की वैल्यू। यानी कि 4 और 5 बजे के बीच में वो कब ओवरलैप करेंगी तो अभी पता चल जाएगा आपको डायग्राम से। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 4:21:09 पर ये ओवरलैप करेंगी, यानी कि समान दिशा में होंगी। आंसर नहीं दिखा आपको, नीचे चला गया, ओके। इसका आंसर क्या हुआ, 4:21:09 पर। क्वेश्चन तो सॉल्व हुआ यहीं तक, ठीक है। अब देखते हैं इसका हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो 4 और 5 बजे के बीच 4:21, चलिए देखिए 4:21 जब होगा तो हमारी जो घंटे की सुई होगी वो लगभग बीच से थोड़ा सा पहले रहेगी, वो यहाँ पे रहेगी घंटे की सुई, हमारी हमारी घंटे की सुई हो गई वो यहाँ कहीं होंगी, और 21 मिनट की बात कह रहा है तो 21 या 22 होता तो बीचों बीच होता, और 21 की बात कर रहा है इसका मतलब वो भी कहीं वो सुई इधर ही होगी, तभी जाके वो हमारा ओवरलैप करेगा। और टाइम हमारी जब 4:21 होता तो दोनों सुई देखिएगा वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग कर रही होगी, यानी समान दिशा में होगी। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन ओवरलैप पर, यानी कि 0 डिग्री पर आधारित। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा। टाइप सेकेंड का दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन होगा। अब तो हमने बता दिया कि समान दिशा का है तो भी 0 डिग्री रखना है, सेम डायरेक्शन का है तो भी वही है, एक ही दिशा का है तो भी वही करना है। संपाती अगर सुइयों की बात करें, घंटे मिनट की सुई संपाती कब होगी, तभी भी हमें क्या करना है, 0 डिग्री रखना है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई नया टाइमिंग लेते हैं, समय दिया रहेगा कोण ही, और हमें निकालना है टाइम, यानी कोण दिया है टाइम निकालना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सूखता है 3:30 बजे, 3:30 मिस्टेक है, टाइमिंग तो हमें निकालनी है 3 और 4 बजे के मध्य, 3 और 4 बजे के मध्य कब घंटे व मिनट की सुई, मिनट की सुई सीधी रेखा में होंगी, सीधी रेखा में होंगी, कब सीधी रेखा में होंगी, ये हो गया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कब होगी सीधी रेखा। हम आपको बता दें दो कंडीशन में सीधी रेखा होती है, एक तो जब हमारा सीधी रेखा जब होता है कि जब हमारा वो 180 डिग्री बनाए, यानी घंटे की सुई इधर हो और मिनट की सुई इधर हो, या दूसरी कंडीशन होती है घंटे की भी सुई इधर ही हो
और मिनट की सुई भी इधर ही हो, तो भी वो तो सीधी रेखा होती है। तो दोनों स्थिति में हम प्लस, दोनों स्थिति में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 0 डिग्री पर भी कर सकते हैं और 180 डिग्री पर भी कर सकते हैं। चूंकि अब दोनों पर देखते हैं तो क्या आंसर आता है, तो जब केवल सीधी रेखा की बात करें, सीधी रेखा में हो तो उस समय हम दोनों निकाल सकते हैं, चाहे हम 180 पर निकालें चाहे हम 0 पर निकालें, दोनों में से जो आंसर होगा वो ऑप्शन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। लेकिन दिया है घंटे व मिनट की सुई सीधी रेखा में हो परंतु परंतु संपाती न हो, संपाती न हो, संपाती न हो, तब हमारा क्वेश्चन सीधे सीधे कहना चाहता है कि वो दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण हो, 180 डिग्री का, यानी कि वो ये कंडीशन बना रही हूं, घंटे की सुई इधर और मिनट की सुई इधर, तब हमें 180 डिग्री रखना होगा संपाती न हो की बात में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू आपको वो साफ साफ कह रहा है कि 180 डिग्री रखनी है, और बाकी टाइमिंग तो एच की वैल्यू दे रखा है क्या, 3। तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 11/2 m = 30 h ± एंगल। यहाँ पे 30 h की वैल्यू क्या है, 3 और प्लस माइनस 180। अब 11/2 की बात करें तो हम सीधे सीधे हम रखना चाहते हैं, चलिए 11/2 एक बार और रख देते हैं, m ये होगा 90 ± 180 मिनट की, क्योंकि हम प्लस पर भी रख सकते हैं माइनस पर भी, क्योंकि दो स्थिति में 180 देखते हैं कौन सा प्लस पर आता है कि माइनस पर आता है। अब एम यहां से हो जाएगा ये 270, ऐड करने पर, फिलहाल में तो ऐड किए हैं हम, माइनस पर भी देख लेंगे क्या आएगा, डिवाइड ये हो गया 180। अब ये 2 का सीधे ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 1, यहां से देखिए क्या होता है, 200 2 7 जा 40 और 2 2 जा 4 और 1 5 डिवाइडेड बाई 11। अब जब डिवाइड करते हैं तो जाएगा ये 11 का 4 टाइम्स जाएगा तो ये 44 हो जाएगा, यानी एक बार 4 बार चला गया, 11 4 जा 44, 10 बचाया। अब 10 पे डबल जीरो है कि 11 9 जा 91, ऊपर 1 और ये 11। देखिए ये होगा इसका सॉल्व करने पे, चलिए देख लेते हैं कैसे आया ये, 500 ये हो गया यहाँ पर 540 डिवाइडेड बाय 11, ये जाएगा एक बार 4 बार 10 0 बाय 11 9 बार 9, ये 1 हो गया। तो ये हो गया, ये हमने इसको लिख दिया, क्या लिखा, ये हो गया आपका 49 1 11, यानी लगभग 4:49 पर ये कंफर्म बना देगी। देखिए यहाँ पर मिनट की वैल्यू क्या कह रहा है, टाइम यानी कई बजे बोला, तो टाइम इसकी क्या निकल गई हमारी, टाइम इसकी आ गई 3:49 1 सेकेंड पर, या ओ आर अथवा, क्लियर दिख रहा है देखिए इधर, तो या सेकेंड ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं, 3:49 1/11, ये इसका आंसर है। तो अब आंसर देखते हैं क्या हमारा सही है, तो 3:49 इसको सीधे होना चाहिए, 49 कब करेगा, देखिए यहां पर 3 बज रहा है तो सीधे सीधे इस स्थिति में है, 3:30 होगा, 3:30 की बात करें तो वो कहां होगा, कह रही है 49 मिनट की बात करें कि पूरा पहुंचा नहीं होगा, वो कहीं यहां पर होगा, 4 तो यहां बजा रहा है, ये मैं 4 यहां बजा रहा है, तो यहां पे होगा, और ये कह रहा 49 लगभग 50 के करीब में, वो यहां पे हो जाएगी, ये देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन बना रही है, बना रही है एकदम स्ट्रेट लाइन इन 180 डिग्री पे। तो ये होता है हमारा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, ठीक है वो। तो इस तरह अगर आपका ऑप्शन भी देगा तो ऑप्शन में क्या होगा देखने पता चलेगा, 3:49 के आसपास में जो होगा वो ऑप्शन आप मार सकते हैं, यानी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए ऑप्शन ये डायग्राम का आपके दिमाग में होना आवश्यक है, ये होता है सेकेंड टाइप का। अब सेकेंड टाइप में तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जब वो कहेगा कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री की बात करेगा, मिटा देते हैं इसको,
अब एग्जाम्स में तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या पूछता है, कहेगा कि दो व तीन बजे के मध्य कब घंटे व मिनट की सुई समकोण पर होगी। समकोण यानी किसको परपेंडिकुलर कहते हैं, लंबवत, समकोण या लंबवत होंगी। ये हो गया, मिनट की सुई समकोण या लंबवत होंगी। तो इसका मतलब कि लंबवत या समकोण या परपेंडिकुलर कब होता है, जब वो 90 डिग्री की कोण बना रही हूं, ये स्थिति होनी चाहिए। यानी वो आपको साफ साफ कहना चाहता है कि एंगल की वैल्यू आप क्या रखिए, 90 डिग्री रखिए। 90 डिग्री समकोण बोले या लंबवत बोले या परपेंडिकुलर बोले, तो आपको यही रखनी है एंगल की वैल्यू 90 डिग्री। और मास्टर फार्मूला आपके पास पहले से ही है, 11/2 एम इज इक्वल टू 13h प्लस माइनस एंगल। फिर देखिए इसका आंसर कैसे आता है, 2 आपको दिया 11/2, मिनट आपको निकालनी है, 2 इंटू 30 प्लस माइनस 90। अब अगर यहां पे हम देखें तो 11/2, यहां पे देखिए माइनस का खेल, आपको समझ में कि माइनस क्यों होता है। 11/2 एम की बात करें तो आपको निकालनी है, 30 है 60 बनाया, प्लस माइनस एंगल यानी 90 बना दिया। यहां से अगर हम ऐड करते हैं, देखिए यहां पे एम, यहाँ पे आपको प्लस माइनस का पता चला कि प्लस माइनस क्यों लिया जाता है। यहाँ पे जब हम 90 ले लिए तो जब हम प्लस करेंगे तो होगा ये 150 और माइनस करेंगे तो होगा ये क्या होगा, माइनस 30। दो कंडीशन हो गई। अब जब मिनट की बात करेंगे तो देखिएगा, मिनट की बात करें तो जब मिनट होगा, जब 150 लेंगे तो ये 150, देखिए एक बार प्लस लेकर यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बार जब प्लस लेंगे तो यहाँ पे होगा 300, क्योंकि ये 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 11 यानी 1, ये 300 डिवाइड बाय 11, यहाँ से ये क्या मिनट बनाएगा, 11 2 जा 22 और बचाया 8, 11 7 जा 77, 7/11 ये बना दिया, लगभग 27 मिनट आ गया इसका। अब अगर हम बात करें 2 बजे से, तो 2:27 पर ये 90 डिग्री बनाएगा, यानी 2:27 यहाँ पे ये कहीं ये सुई आपकी घंटे वाली जो सुई होगी, देखिए यहाँ पर जो घंटे वाली सुई होगी वो होगी यहाँ, और 27 करने के लिए इसको पार करना होगा यहाँ घंटे वाली सुई, और यहाँ पे उसको आना होगा यहाँ कहीं 27 के लिए यहाँ पे कहीं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का ये कोण बना रही है, पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, कह रहा है कि भाई दूसरा कोण जब हम माइनस लेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा देखिए 11/2 एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 30, क्यों, जब 90 में से 60 यानी 60 माइनस होगा तो 30 आ गया, ये हो गया 3 × 2 = 60 और ये हो गया m, मिनट की वैल्यू हो गया 3 × 2 = 60 डिवाइडेड बाय 1 11, तो यहां पे 11 का 5 बढ़ जाएगा 5 और ये 5/11 ये m की वैल्यू आ गई। अब यानी कहने का मतलब माइनस लेने पे क्या होगा, कह रहे भाई 2:05 पर भी हमारा, 2:05 पर भी घड़ी की सुई जो होगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहां पे देख लेते 11/2 30 है, माइनस प्लस माइनस एंगल, ठीक है 11 60 हो गया, माइनस 2 11 5 55 5, ठीक है। तो देखिए यहां पर पहली स्थिति हो गई, दूसरी स्थिति जब कह रहा है कि जब 2 बजा रहा होगा यहां पर 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 12, यहाँ पे 6, जब कह रहे 2 बज रहा होगा 2:05 यानी वो कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ माइनस कंडीशन यहाँ पे सही नहीं अप्लाई होगी,
तो यहाँ पे मेन बात है माइनस वाला कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। माइनस की कंडीशन कहाँ अप्लाई होती है, जब हमारी यहाँ पे दोनों स्थिति देखिए, माइनस की कंडीशन तब अप्लाई होती जब इसका कोण 90 डिग्री पहले बनता, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब या तो ये यहाँ बनेगा दो बजने से पहले अगर हमारी सुई पीछे चली जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, दो तो बजेगा नहीं क्योंकि वो एक बजकर कुछ मिनट बनाएगा, इसलिए माइनस वाली कंडीशन नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। और ऑप्शन जो कहेगा, ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 27, तो आप देखेंगे कि प्लस पे आ रहा है कि माइनस पे, वैसे तो माइनस पे आएगा नहीं क्योंकि माइनस पे पीछे आ जा रहा है, और पीछे यानी कि पीछे जाने का मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री बन नहीं रहा है, तो हम लेंगे प्लस वाले सिंबल को, प्लस वाले पे हमारे 27 पे ये अप्लाई हो जा रहा है 90 डिग्री। तो ये था हमारा सेकेंड थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तीन प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि समय से कोण जब दिया हो तो समय निकालने के आधार पर, और पहला जो था पहला टाइप वो समय दिया था कोण निकालना था, और दूसरा टाइप जो है ये कोण दिया और समय निकालना है इसमें। तो ये था दो प्रकार का क्वेश्चन। तीसरे प्रकार पे आते हैं जो कि कहता है वाटर इमेज और मिरर इमेज के बेस पर। टाइप थर्ड, जब कोई भी टाइमिंग दिया हो घड़ी के अंदर, कोई भी टाइमिंग दिया हो और कहे कि उसका वाटर इमेज या मिरर इमेज ज्ञात कीजिए, वाटर या एक मिनट, देखिए मार्कर चल नहीं रहा, देखिए तो लिख रहा, ठीक है ठीक। तो पहला हमने बताया टाइप्स, जो थर्ड है वो वाटर इमेज, वाटर या मिरर इमेज बेस्ड होगा। वाटर या मिरर इमेज फाइंड करना होगा आपको। ये कैसे निकलता देखिए इसका, जैसे कह दे आपको कि घड़ी में 3 बज रहा है, घड़ी में क्या बज रहा है, 3 बजाएगा तो यही स्थिति होगी। और आप इसको देखना है आपको कहाँ, मिरर में देखना है। तो मान लीजिए ये क्लॉक है आपकी और यहाँ पे बजा क्या रहा है, 3 बजा रहा है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3, ये 9। जब आपको ये घड़ी जब देख रहे हैं हम इसको तो 3 बजा रहा है, लेकिन जब इसको हम देखेंगे किसमें, मिरर में देखेंगे, तो मिरर में कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि जो घंटे की सुई हो वो क्या हो जाएगी, जो 3 पे थी वो 9 पे आ जाएगी, क्योंकि वो इस प्रकार की दिखाएगी, यहाँ पे 3 हो गया, लेकिन जो मिनट की जो सुई है वो 12 की 12 पे ही रह जाएगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, 9 बजने लगेगा। यानी जब भी कभी भी हमारा जो टाइमिंग जो दिया है वो जब रियल जो क्लॉक में बज टाइमिंग हो रही है, जब उसको मिरर में देखते हैं तो क्या होता है, अपोजिट कर जाती है। अब उस टाइम को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, या तो अपने दिमाग में उस डायरेक्शन को बना लें कि क्लॉक क्या है, माइंड से इसको थिंक किया जाए कि टाइमिंग क्या होगी, या तो इसके बाद हम इसके फॉर्मूले को देखें। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले हम इसको नॉर्मली देखें कि अगर 3 हो रहा है तो हम इसको ऐसे माइंड से भी कह, जब 2 बजेगा, सोचिए जब 2 बज रहा हो तो क्या होगा, 2 बज रहा है, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 1 होगा, तो ये जब आएगी तो ये आ जाएगी लगभग यहाँ पे 10 बजे, क्योंकि ये तो चेंज होगा नहीं, चेंज कौन होगा, ये तो 10 बज जाएगा। 1 हो रहा होगा तो आ जाएगा कहाँ, 11 पे आ जाएगा। जब 3 बज रहा है तो 9 पे आ रही है, यानी मिरर इमेज देखिए, 1 का मिरर इमेज 11 हो जाएगा, 2 का मिरर इमेज 10 हो जाएगा, 3 का मिरर इमेज 9 हो जाएगा, ऐसे 4 को देखा जाए, 4 का मिरर इमेज क्या होगा, 8 हो जाएगा, और 5 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, 7। लेकिन एक दो टाइमिंग ऐसी होती है जिसका मिरर इमेज कोई इफेक्ट नहीं लाता है, वो मिरर इमेज होता है 6 और 12 का, यानी जब 12 बजता है या 6 बजता है तो उसका मिरर इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलिए अब इसको देखते हैं फॉर्मूले से। पहला मिरर इमेज, जब मिरर इमेज की बात होती है तो
दिए गए समय का समय का मिरर इमेज को कहते हैं हम क्या? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज को कहा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। तो दिए गए समय का दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब मिरर इमेज ज्ञात करने के लिए लिए दिए गए समय को दिए गए समय को समय को 11:60 अर्थात 12 बजे में से घटा देते हैं। तो यहाँ पे 11:60 इसलिए लिखा गया है कभी कभी, क्योंकि हम जब ऐसे सीधे सीधे कर रहे हैं कि 12 बजे में से अगर 9 बजे को घटाएं तो सीधे सीधे क्या आ जा रहा है, 3 बजे घटा रहे हैं तो क्या जा रहा है, 9 बज जा रहा है। 3 बजे घटे तो 9 बज जा रहा है, लेकिन यही दे देगा कि 9:50 हो रहा है, तब उस कंडीशन में हम इसमें से घटाते हैं। यानी कि 11:60 को हम 12 बजे भी कहते हैं, लेकिन जब सीधा सीधा टाइमिंग दिया होता है तो हम 12 बजे में से घटाते हैं, और जब मिनट में टाइमिंग दो तो 11:60 में से घटाते हैं। दिए गए समय को हम क्या करते हैं, 11:60 में से घटा देते हैं, घटा लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर घड़ी में 2:30 बज रहा है, किसी घड़ी में 2:30 बज रहा है, यानी टाइमिंग 2:30 बजे की हो रही है, 2:30 बजे का तो यानी घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी। तो जब घड़ी में 2:30 बज रहा है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, यानी कि देखिएगा 2:30 बजे का मिरर इमेज ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो तरीके से निकाला जा सकता है। पहले तो हम 11:50 में से दिए गए टाइमिंग को हम क्या करें, घटा दें 2:30, ये हो गया ये 20 और ये हो गया 9:20। क्या आ गया आपका, 9:20। तो देखते हैं क्या ये बात सही है, हो रहा है। तो देखिए जब ये 2 बजे, ये 2:30 बजे का टाइमिंग बता रही है घड़ी, 2:30 बज आ रही है। तो देखिए यहाँ पे जब इसका हम देखें क्लॉक में, तो ये होगा कोई इसका क्लॉक, कह रहा भाई 9:20 आप बजाओ। लीजिए हमने 9 बजाया, यहाँ पे 9 होता है, यहाँ होता है 3, यहाँ 12 होता है, यहाँ पे 6 होता है, तो और यहाँ पे होता है आपका 4, यहाँ होता है 5। तो देखिएगा 9:20 का नाम को जब हम देखेंगे इसको मिरर में, 2:30 बज रहा है, 11:60 होता है भाई, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, हमें कह रहे कहाँ टाइमिंग गड़बड़, 11:60 में से घटाते हैं तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 9:30। तो यहाँ पे देखिएगा, और जब 9:30 की बात हो, 3 और 2 के बीच में ये घंटे की सुई है, तो यहाँ से 9 और 10 के बीच में चली जाएगी घंटे की सुई, 9 10 के बीच में चली जाएगी यहाँ पे, ठीक। और जब जो ये सुई है इस पर कोई प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये सीधे सीधे 30 पे रह जाएगी। तो ये होता है कॉन्सेप्ट आपका मिरर इमेज का, दिए गए समय को हम मिरर इमेज फाइंड करने के लिए 11:60 में से माइनस कर लेते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपकी वाटर इमेज की, उसको देख लेता हूं, ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। मिरर इमेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 11:60 में से दिए गए समय को घटा देते हैं, दूसरा है वाटर इमेज। जिसको कहा जाता है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब की बात कहा जाए तो अगर देखिए ये हमारा घड़ी में बज रहा है 3,
तीन नहीं बजाएंगे, तीन पे तो बहुत इजी, तीन ही बजा लेते हैं, तीन बज रहा है, ये 12 हो गया, ये 6, ये 3 और ये 9। जब इसको हम जल में देखेंगे, ये हमारा जल हो गया, जल में देखेंगे तो क्या होगा, ये जो सुई है वो तो आपकी यहीं पे रह जाएगी, ये जो 12 वाली सुई जो ऊपर है वो कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो ये स्थिति बनाएगी। यानी कि जब 3 बज रहा है तो घड़ी में क्या दिखाएगा, लगभग ये 3 की सुई तो 3 पे दिखाएगी, लेकिन ये जो 12 वाली वो 6 पे चली जाएगी, तो यहां से ये हो जाएगा आपका 3:30। टाइमिंग क्या बजा देगा, 3:30। लोग सोचेंगे कि 3 पे है तो 3:30 सर क्यों बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब ये 12 बजाएगा तो 12 की जब 6 पे तभी जाएगी, और 6 पे जाएगा मतलब 30 मिनट होता है, तो 3:30 वो बजाएगा। लेकिन इसके लिए कोई ट्रिक है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया है जिसके लिए हम इजी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसमें दो टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइमिंग क्या होती है, जब दिया गया समय एक से 6 बजे का हो तो दिए गए समय को 6:30 में से घटा देते हैं। मतलब अगर दिया गया समय 1 से 6 बजे के बीच का हो, 6 बजे का हो, 1 से 6 बजे के बीच का हो या 6 बजे का हो, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं देखते हैं। अभी जैसे दिया है 2:30 बज रहा है, घड़ी में बज रहा है 2:30, तो 2:30 बज रहा है तो इसका वाटर इमेज क्या होगा, तो 2:30 बज रहा है तो देखिए 2:30 बज रहा है इस तरह। अब इसका वाटर इमेज देखते हैं क्या होगा, जो 3 की सुई है वो तो वहीं पर रहेगी, लगभग ये जहां है वो यहीं पर रहेगी, लेकिन जो ये वाली सुई है वो कहाँ चली जाएगी, 12 पे चली जाएगी। 2:30 बजे का ये जो चला गया ये यहाँ पे बन गया। अब ये टाइमिंग क्या, और ये देखते हैं क्या, ऐसे तो दिख रहा है कि हमें 3 बज रहा है, क्योंकि जब बीचों बीच में तभी सुई होती है, 2 पे तो होगी नहीं, होगी कब, या तो यहां से समझ, जब दिया गया समय जब 2:30 बज रहा तो उसका वाटर इमेज देखिए, ये सीधे सीधे जो 6 पे जो सुई वो 12 पे चली जाएगी, और ये वाली सुई जहां पे है वो अपनी ही दिशा में जगह पे बनी रहेगी। तो टाइमिंग देखते हैं क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है टाइमिंग। तो अब टाइमिंग निकालते हैं हम, यहाँ पे 3 बजने लगा, देखने से तो पता चला कि इसका 2:30 बजे का मिरर इमेज, अरे वाटर इमेज क्या होगा, 3 बज रहा है। तो टाइमिंग घटा के देखते हैं, 6:30 में से घटाते हैं जब 1 से 6 बजे का टाइमिंग हो, यहाँ पे क्या बज रहा है, 2:00। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2:30 का वॉटर यानी जल प्रतिबिंब क्या करना है, ज्ञात करिए, ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, हम दिए गए समय को 6:30 में से घटाना है हमको, तो 6:30 में से जब घटाएंगे हम क्या, आपका 2:30, तो क्या होगा, 30 से 30 चला गया, 6 में से 2 गया 4, ये हो गया आपका 0। तो यानी कि जो इसकी टाइमिंग थी 2 और 2:30 के बीच की सुई थी, ये कहाँ आ गई, ये तो चली गई 3 पे, 6 की सुई चली गई 12 पे, और ये जो सुई थी ये भी तो 2 और 3 के बीच में थी, तो ये भी तो कुछ नीचे आएगी, यहाँ पे लगभग यहाँ पे आ जाएगी, तो आपकी टाइमिंग क्या हो गई यहाँ पे कहीं, क्योंकि जो 3 से ऊपर है वो 3 से कहाँ वाटर इमेज में आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका टाइमिंग हो गया 4। तो आपका आंसर हो गया 4 बजे, यानी कि 2:30 बजे का जल प्रतिबिंब क्या होगा, 4 बजे, उसका जल प्रतिबिंब होगा 4 बजे। तो ये था आपका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप होता है जब दिया गया समय, नोट कर लीजिए इसको, सेकेंड टाइप बताते हैं इसका, वाटर इमेज का सेकेंड टाइप, जब दिया गया समय क्या हो, जब दिया गया समय 1 से 6 ना हो जबकि 7 से 1 का हो, 7 से
एक बजे का हो तो इस समय को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, इसको 18:30 में से घटा देते हैं, दिए गए समय को हम क्या करते हैं 18:30 में से घटा लेते हैं। अब इसका देखते हैं क्या ये आंसर सही है, इसको हम चेक कर लेते हैं। इसके एग्जांपल कोई नया टाइमिंग बना बजाते हैं। अब मान लीजिए घड़ी में अब हमारा बज रहा है 7 और 1 के बीच की बात हो रही है, तो हम बजाएंगे यहां पे कुछ ऐसा कि यहां पे घड़ी में बज रहा हो 8:08 ही बजा लेते हैं, सीधा सीधा 8, ये हो गया हमारा 8, घड़ी में बज रहा है 8 और टाइमिंग हमारा, इसको वाटर इमेज देखना है, तो वाटर इमेज और इसका हम प्रतिबिंब देखते हैं जल में, ये हमारा जल हो गया। तो जल में क्या होगा, ये जो सुई है, ये जो है, ये जब 12 की सुई 6 पे आ जाएगी, मिनट वाली सुई आ जाएगी 6 पे, और ये 9 से 1 खाना पीछे तो वो चले जाएगा, एक खाना आगे, यानी कि एक गैप कर जाएगा, यहाँ पे 9 से 8 पहले है तो 9 के 8 एक बाद चला जाएगा, तो यहाँ पे जब 9 है तो ये आ जाएगा 10 पे, यहाँ पे था पहले 8 पे, तो ये चला गया आपकी मिनट की घंटे की सुई कहाँ चली गई, 10 पे चली गई। देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो दिखा रही है 10 के आसपास और यहाँ पे दिखा रहा है ये 30 मिनट। अब देखते हैं कि 10:30 बजाता है कि 9:30 बजाता है, 9:30 बजाता है कि 10:30 बजाता है, टाइमिंग देखते हैं क्या होती है इसकी। अब यहाँ से हम इसका आंसर चेक करते हैं, तो ये इसका आंसर 18 यानी कि 18:30 में से दिए गए समय को हम घटा लेते हैं, तो इसका एग्जाम्पल भी तो लिखा जाए, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 8 बजे का वाटर इमेज यानी कि जल प्रतिबिंब क्या करना है ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्या होता है, 18:30 हुआ है तो इसका हमें माइनस करना होगा दिया गया समय, हो रहा है कितना 8 बज रहा है, माइनस कर दीजिए, ये हो गया 30 और ये हो गया आपका 10 यानी कि 10:30 बजे ये इसका वाटर इमेज बनाएगा। तो 8 बजे का वाटर इमेज क्या हुआ 10:30। तो चलिए आज तक की क्लास ओवर होती है, कैसा लगा हमारा क्लास, अगर अच्छा लगा हो तो, अगर कोई भी डाउट हो अगर हमारे इस क्वेश्चंस में या इस क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, और इस क्लास का आपको जो कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा, और क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, धन्यवाद।